बालों को एकदम काला करने का, एकदम ब्लैक करने का, यानी सफ़ेद बालों से अगर आप परेशान हैं, आप यहाँ पे सर्च करके आए हैं सफ़ेद बालों को कैसे काला करूँ, या फिर अपने हेड में मेलानिन कैसे इंक्रीज़ करूँ जिसकी वजह से मेरे जो बाल हैं वो काले रहें, हमेशा काले बने रहें, सफ़ेद हो ही ना, उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिले, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो मेरे बालों को सच में रिज़ल्ट देगी? तो आज जो रेमेडी है ना, वो जो मैं लेके आई हूँ, वो है एक ऑयल जो आपके बालों को काला करेगा। काला करने के साथ साथ ही आपके बालों में जो सफ़ेद है बालों की ग्रोथ होती है उनको रोकता है, यानी जो भी नए बाल उगेंगे वो आपके ब्लैक ही उगेंगे, वाइट नहीं होंगे। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होता है, मेलानिन को इंक्रीज़ करता है आपके हेड में, तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लैक है, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको ब्लैक ही मिलेगा। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लोहे का बर्तन लेना है, उस पर गैस पे रख देना है और उसमें डाल देनी है हल्दी। हाफ टेबल स्पून आपको यहाँ पे हल्दी डालनी है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप कितना बनाना चाहते हैं तेल उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी डाल के हल्का सा भून लें, ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कत्था पाउडर और इंगिडो पाउडर, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें डाल देनी है और उसके बाद आप फिर इसे चलाएँ अच्छे से भूनें। तो यहाँ पे मैं इसे चला रही हूँ, हल्का सा भून रही हूँ, आप देख लें किस तरीके से आपको इसे भूनना है। जितना भी टाइम लगेगा आपको इसे भूनने में लगेगा, इस रेमेडी को बनाने में वैसे आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। इसके बाद यहाँ पे लेना है आपको सरसों का ऑयल, यहाँ पे मैं 100 ml सरसों का ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट को डबल कर दें, ऑयल को भी डबल कर दें, इस तरीके से आप इसे परफेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, अच्छे से पकाऊंगी, क्यों? क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो ऑयल में अच्छे से मिल जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे ऑयल का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका होगा, वो कलर चेंज हो चुका होगा। आप इसे अच्छे से ठंडा करें, ठंडा करने के बाद आप इसे छन्नी से छान लें, जिसे आप इसे छन्नी से छान लेंगे आपका ऑयल आपको परफेक्टली मिल जाएगा, बिल्कुल रेडी होगा आपका ऑयल, ब्लैक हेयर ग्रोथ ऑयल है ये, यानी ये आपको बालों को ब्लैक तो करेगा ही करेगा, साथ ही बालों की ग्रोथ भी ये करता है, बालों को अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो दोस्तों ये रेमेडी जो है ना काफ़ी सिंपल रेमेडी है, तो इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही बालों की ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हैं, आपको एक ऑयल चाहिए, बेस्ट ऑयल चाहिए जिसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिले, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो हम होममेड ऑयल भी बेचते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। साथ ही हेयर ग्रोथ ऑयल भी आपको मिलेगा और आईब्रोज़ के लिए भी आपको वहाँ पर ऑयल मिलेगा। तो दोस्तों ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो जब तक के लिए बाय बाय।